है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। दिव्यः ओम नमः दिव्यः अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। छोटे छोटे नगर होते हैं तो बहुत जल्दी एकत्रित होकर के काम कर जाते हैं। बड़े नगर के लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और जिस उद्देश्य को लेकर के इंदौर में कहने के लिए, किंतु गोमटगिरी स्थान ऐसा था जो वहाँ पर हमारा निर्वाह हुआ। शहर से हट करके 10-15 किलोमीटर पर उस समय स्थानीय समाज ने कहा, महाराज ये चातुर्मास हुआ है, कुछ ऐसा कार्य किया जाए ताकि वह और भी इसी प्रकार करते चले जाए। तो वह निमित्त बना विधान करना है। चातुर्मास समापन हुआ और वहाँ पर विधान रखा गया। उस विधान के दौरान हमें ऐसा लगा था इसमें राशि बचेगी और ये लोग उससे पहले ही हमने कहा इसमें बचेगी अवश्य, नहीं समझे इनको कह देंगे हम ये बचाए, फिर ये भी पक्का कर लो हम बचाएंगे और बचाने के उपरांत और आवश्यकता बढ़ जाए उसमें और डालेंगे और कुछ ऐसा काम करेंगे। वही हुआ। उस समय में ही ये सेठ जीयों ने कहा हम अपने तरफ से ये सब व्यवस्था कर लेंगे और यही हो करके बच गई राशि। उस समय बहुत, इस समय तो बहुत आगे बढ़ गया युग, उस समय हजारों में बोलियां चलती है देखने लग जाते थे और आज करोड़ों में भी बोलते हैं। हाँ ठीक है, नहीं समझे। उस समय इन लोगों ने उसके लिए मेहनत करके गौशाला के बारे में किया और 2-3 बार तो ऐसा किया, नहीं सरकार देगी अवश्य देगी। और दिग्विजय सिंह वगैरह आए थे, उन्होंने कहा हम देंगे महाराज, तो 2-3 स्थान भी देखे। एक स्थान के बारे में ऐसा हुआ पक्का ही हो गया था, ठीक है फिर देख लो, लेकिन मेरा भरोसा कम है। नहीं नहीं महाराज मिल जाएगी तो कल जाना है वहाँ पर शिलान्यास या और कुछ करके उसको प्रारंभ करना है। तो शाम को आकर के कोई एक व्यक्ति कहता है महाराज जिस स्थान के बारे में सोचा गया है वो स्थान विश्ववादित है और हाईकोर्ट में काम चल रहा है। यही तो हम पहले कह रहे थे, इनको कहा ये यहाँ पर कोर्टबाजी बहुत जल्दी होती है, स्थान का कोई भरोसा है नहीं, क्योंकि हमारा गुणस्थान अलग है और आपका गुणस्थान अलग है, आप अपने खर्च करो और खरीदो। तो उनको बात समझ में आ गई। तो उस समय जितने राशि में उन्होंने खरीदा, गौशाला की स्थापना की और उसमें गायों का रखना इत्यादि प्रारंभ हो गया। इसके उपरांत धीरे धीरे ये लोग समझते थे इसको हम ऐसे ही जैसे भोजनशाला चलाते हैं वैसे गौशाला चलाएंगे, ऐसा नहीं होता, उसके पीछे भी बहुत मेहनत होती है। कुछ लोग तो लगे रहे लेकिन ये आगे नहीं हो पाया, लेकिन जमीन तो उतनी थी। धीरे धीरे जमीन का मूल्य बढ़ता गया और ऐसा बढ़ता गया है वह हजार का मामला, लाख लाख का मामला, करोड़ और करोड़ का मामला भी आगे बढ़ने लगा। तो तब हमने सोचा भैया कोई भी व्यक्ति इसको अटैक कर सकता है, इसको जल्दी जल्दी कर लो। तो यह तैयार हो गए, लेकिन उसमें भी कई प्रकार के व्यवधान आने लगे। महाराज दूसरे हम जमीन कर लेते हैं, ये कर लेते, देखो हमारा कोई भरोसा नहीं,
हमें ज्ञात हो गया, वो भी इसी प्रकार अटकाव में मिलेगा, वो भी अटकाव में मिलेगा, तो हम इस ढंग से आशीर्वाद नहीं देते। आपको करना है तो देख लो, यदि इस स्थान में कार्य हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, संदेह तो हो रहा था कितने दिन में नहीं हुआ, इसलिए ऐसा कर लो। जब तक ये क्षेत्र बनाना जा रहे हो तो वहाँ पर तो पानी तो चाहिए, और वो भी पानी नल का नहीं चलेगा, वहाँ पर कुएं का जल होगा, छानना पड़ेगा, और वहाँ पर प्रतिभाशाली यदि बनाना चाहते हैं, उसके साथ क्षेत्र की भी स्थापना करना चाहते हैं तो ये होगा। तो इनको समझ में आ गया, यही इन्हीं लोगों ने पहले सर्वप्रथम उनका है, महाराज हम ही इसको प्रारंभ करते हैं, और पानी मिलना बहुत कठिन है क्योंकि वह पहाड़ है, केवल पत्थर पत्थर है, नीम की कोई आवश्यकता नहीं, जहाँ का हो वहीं पर वह नीम का काम कर रहा है, इतना पत्थर है, उसमें पानी निकालना पहले सर्वप्रथम पसीना आना है। विश्वास सब लोगों का ये था कि पानी नहीं मिलेगा, लेकिन पत्थर में तपस्या होती है तो उसका परिणाम बहुत निकला, और ऐसा पानी निकल गया तो हमने कहा अब विश्वास हो गया, वो पानी ऐसा नहीं निकल सकता, भविष्य इसका अवश्य है। तो फिर कहा कि अब हम प्रतिभाशाली के बारे में सोचते हैं, पहले आप सदस्य बनाना प्रारंभ कर दो। केवल सदस्य बनाने से कोई मतलब तो होगा नहीं, तो सदस्य बनाना प्रारंभ तो किया, लेकिन वो चाहते थे महाराज आकर के बैठ जाए, फिर बाद में वहाँ वहाँ कह दे, ऐसा हम भरोसा नहीं रखते थे। फिर भी सोचा इसको और घुमाना पड़ेगा, तो हमने कह दिया ठीक है, हम उदयगिरी को, उदयगिरी वाले जो के हैं ना, उसके माध्यम से पंच किलार हो रहा था, महाराज जी को भेज करके इसको कर लेना, लेकिन हाँ हूँ कुछ भी नहीं कहना, वो आ जाते हैं तो फिर देख ले। उनका भाव ये था कि हम इसको पंच कल्याण कराएं, फिर इसके उपरांत इसमें भी जो बचत राशि होगी हम जहाँ आप कहेंगे वहाँ पर दे देंगे। तो हमने सोचा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर हो गया, लेकिन होने के उपरांत योग से ऐसा हो गया पानी ज़्यादा लग गया। हाँ, तो अब वह कहने लगे महाराज इतनी राशि आ गई तो मैं बाहर के लिए नहीं सोचूंगा, यहीं पर करो। सर्वप्रथम यहाँ पर प्रतीक्षा, जो प्रतिमा प्रतीक्षा की स्थापना करना है, क्योंकि बहुत सारे छात्राएं हैं जो यहाँ पर रह नहीं पा रही हैं, और उदयपुर में वहाँ किया जाए, तो उदयनगर में, तो वहाँ हो गया, स्थापित हो गया। फिर प्रतीक्षा होनी थी, लेकिन इन लोगों ने विद्यालय के योग्य नहीं बनाया। भैया विद्यालय के योग्य वहाँ पर कोई भी भवन नहीं है तो कहाँ पर छात्राएं रखेंगे वहाँ पर? प्रतिभाशाली क्या वह मिट्टी और पत्थर में है क्या? ये नहीं बनेगा। तो वहाँ पर खोला गया, प्रथम वर्ष के जितने भी छात्राएं थी बहुत कम संख्या में प्रारंभ कर लो, लेकिन आज इसी वर्ष कर लेना। उधर पपोरा में चालू हो गया और इधर उदय नगर में चालू हो गया। अब 50-60 जो है करके कर दिया, फिर इसके उपरांत सोचा दूसरे साल तक तो ये कर लेंगे, ये क्या कर लेंगे, भोजन कर लेंगे और तो ज्यादा होगा ही नहीं। तो हमने कहा फिर इन्हीं को कहा एक साल और व्यवस्था आप करिए, तो हाथों हाथ उन्होंने बहुत, जो यदि उदय नगर में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, आप लोगों की अग्नि परीक्षा हो ही जाती, लेकिन वहाँ पर सीता की अग्नि कुंड नहीं बन पाई और वो चल रहा है। इसके उपरांत भी हमने सोचा ये लोग अभी ज़्यादा सजग नहीं हो पा रहे, उसकी भिड़ करके काम करना पड़ता है तब विद्यालय होता है, ऐसे कहने से नहीं। और आप लोग इंग्लिश के आदि हो गए इसलिए तो ऐसा हो गया है, विद्यालय कहना चालू कर दो। क्या बोलते हैं आप लोग हर बात में स्कूल 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 कहते हैं, स्कूल किसका नाम है बताओ?
जिसका नाम विद्यालय होता है, ये भारतीय संस्कृति है। अब आप ये रख दो, हम प्रतिभाशाली स्कूल का निर्माण नहीं करेंगे किंतु क्या करेंगे, विद्यालय। हाँ, ये पक्का याद रखो। अब हमने सोचा, फिर भी कोई भरोसा नहीं, क्या किया जाए, ऐसा कर ले योग से इस साल यहीं पर चातुर्मास, वहां पर तो हो नहीं सकता, मुझे मालूम था, क्योंकि गोमट आप भी अभ्यस्त हो गए, हम भी अभ्यस्त हो गए, वहां पर मुझे कहां पर बैठाओगे बताओ। हाँ, तो कहां बनेगा वो, ऐसे थोड़ी बाहर बता दो, यात्री कहाँ पर बैठेंगे, उनके लिए भवन चाहिए, श्रावकों के लिए इतनी यहाँ पर नहीं, और वहां पर तो दो दो नगर बसेंगे, तो कहाँ से आप व्यवस्था करोगे, केवल भोजन से नहीं होता, फिर कुछ चाहिए तो छाया भी तो चाहिए, कहाँ छाया है वहां पर, वर्षा के ऊपर वर्षा क्या करोगी वहां पर, इसलिए सोच करके काम करना पड़ता है। फिर करना क्या है, ऐसा कर लो योग से यहाँ पर चातुर्मास हुआ, इनको कहा भैया दो महीने तो आपका हो गया, पर्व तक हो गया, अब ऐसा कर लो इंदौर वालों को आगे के दो महीने का तो उसका, हाँ उन लोगों ने कहा हाँ महाराज बहुत अच्छा है, ये यहीं पर कर लेंगे हम, ऐसे थोड़ी खेल थोड़ी ही है, करना तो है लेकिन इस ढंग से करना होगा, तो ऐसा कर लिया। क्योंकि वहां पर इसलिए नहीं किया, हमें याद आ गया, क्या याद आ गया, सर्वप्रथम भारत ने एक उपग्रह का निर्माण किया, उपग्रह मतलब हाँ समझते तो है, आर्यभट्ट आदि तो निकले थे ना पहले शुरुआत में, उसका अच्छा बिल्कुल बढ़िया बना था, लेकिन अब उसको कहाँ से प्रक्षिप्त किया जाए आसमान में, ये समस्या थी। ये बात अलग है, बना तो लिया लेकिन कहाँ से ढूंढा जाए, जाकर के रूस में उसके स्थान पहले से उनके पास था, उससे इन लोगों ने छोड़ा और उसमें सफलता मिल गई। इसी प्रकार हम सोचते हैं यदि इंदौर में इंदौर वाले ने बना लिया सब इंदौर वाले ने बना लिया, लेकिन इनके पास वो स्टेशन है ही नहीं, क्या किया जाए। फिर बहुत सोचने के उपरांत किया कि शुद्धोदय शुद्ध क्षेत्र में उसको स्टेशन का इन लोगों को खाई भैया वहां से हम निमंत्रण देंगे इन लोगों को, नहीं हम निमंत्रण को तो नहीं मानते हैं, लेकिन इनको यदि अपना आर्यभट्ट उड़ाना है शुद्धोदय में आ जा, और जैसे हम संकेत देते हैं उसके अनुसार करेंगे तो हम अवश्य ही आपके उपग्रह को सफल बना लेंगे। और आज आप देख रहे हैं रात में लग लोग सोएंगे, सोए नहीं होंगे, जाना है जाना है जाना है स्टेशन जहाँ बनाओ शुद्धोदय क्षेत्र। शुद्धोदय क्षेत्र वालों ने अपने इस स्थान के लिए मंजूरी दे दी, ये भी इनकी उदारता है, लेकिन ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये उदारता पूरा पेट भरने के उपरांत की हमने। अब खाने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही तो है, हम कभी भी ज्यादा नहीं खिलाते, जो खाया है उसको पचा पेले फिर इसके उपरांत देंगे, तो ये हुआ मंजूरी, जो आप कहो उसके लिए तैयार है, नहीं ये तो हाथ में आ जाए और छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छा है कि दूसरे के विमान को उड़ाना है उपग्रह को, इस प्रकार के स्टेशन होना चाहिए। हम समझते हैं इंदौर वालों का भाग्य था, अच्छा स्टेशन मिल गया और उसके माध्यम से ये ऊपर उठ गया और आज जो चालू हो गया सब दुनिया में आ गया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होने वाला है, होगा पक्का है,
लेकिन विधिवत होगा तभी काम है। इन लोगों को बांधना, ध्यान रखना, सरो तो भद्र बांधना फिर भी ठीक है, लेकिन इनको बांधना तो बहुत ही कठिन था। ये वैज्ञानिक लोग हैं और हमसे कैसे बनेंगे, लेकिन स्टेशन के कारण ये लोग बंद गए। अब पक्का है क्या? नहीं है, बिल्कुल कच्चा तो नहीं। देखो ये ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्शन में जो बांध का भवन बनाने के लिए वास्तुकारों ने यह कहा है, जिसकी नींव में और दीवारों में और छत में चारों तरफ सर्वांगीण यदि होता है निर्माण, तो वह पत्थर का होता है, उसका अनंत फल माना गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, तो वह वही कार्य यहाँ पर हुआ है। और आप लोग जो करने जा रहे हैं उसको अच्छी नींव रखो, और जुड़ने के लिए आपको कोई प्रयास करना नहीं है। लोग जुड़ने के लिए तैयार होंगे, आपको रखने के लिए स्थान नहीं रहेगा, ताली बजाने के लिए भी लोगों को बुलाना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। कार्य करने वाला यदि लगन के साथ विधिवत और कभी भी मैं कर रहा हूँ इसको भूल जाए, आप कार्य तो होता है, हम समर्पित होकर के करना प्रारंभ कर दे। अब उपग्रह उड़ेगा तो आप दुनिया देखती रहेगी, ऐसा इतिहास होना चाहिए। हम इतिहास बनाना नहीं समझते, पूर्वजों ने बहुत बनाए, लेकिन इंदौर के लिए एक ऐसा भी इतिहास का आवश्यक था। और आप लोग इस युग में आप लोगों का सबसे ज्यादा बड़ा भाग्य है कि इस कार्य के लिए आप लोगों ने एक प्रकार से तन से मन से धन से और जो कुछ भी है उन सब से स्वीकारता दे करके इस कार्य को हाथ में ले लिया है। आपके साथ पूरा शहर रहेगा, नगर रहेगा, और जहाँ कहीं भी नाते रिश्ते हैं वो भी कहेंगे कि ये काम बहुत अच्छा हुआ। सर्वतो भद्र ये मूल जिनालय है वहाँ पर, और ये जो सामने सहस्कूट की अपने रचना बताई, ये उसके सामने एक ऐसा ऐसी रचना है जिसमें 1008 मूर्तियों का स्थापन होगा। और पीछे वाला जो जिनालय है वो सर्वतो भद्र अथवा चतुर्मुखी जिनालय कहलाएगा, जो कि सात सात कठिनियों के माध्यम से 3 मंजिलों में उसका उसकी रचना होगी जो आपके सामने अभी रखी गई। इसके लिए भी बहुत ही वो निर्माताओं के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत इस रचना की, अभी यह रचना के बारे में सोचा गया है, लेकिन यदि आप लोग उसके लिए हाँ है तो ये हो सकता है। हाँ है तो, और हाँ है हाऊ ठीक ठीक है, हाँ की अपेक्षा से हाऊ ठीक है, क्योंकि बुंदेलखंड का ये परिणाम है। हाऊ कहने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाऊ कह करके महाराज हम सोच लेते हैं, ऐसा यदि कहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सोचना हो तो पहले पक्का सोच लो और समझ लो, इसमें पूरा पूरा आपका नया रुपये तो निकल ही जाएगा, पुराना भी जहाँ कहीं भी रखा है वो धीरे धीरे लक्ष्मी कहेंगी कि भैया हमारे भी उपयोग कर ही लो, हम भी अहोभाग्य समझेंगे, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी व्यक्ति की संपदा धन इन कार्यों में लगता है जिन्होंने केवल कमाए नहीं किंतु पूरे जीवन में उनके बुजुर्गों ने पूर्वजों ने बड़ी तपस्या की है, तभी वह धन ऐसे कार्य में लग सकता है। ऐसे कार्य को करके आप जाओ
तो नई पीढ़ी के लिए एक ऐसी प्रेरणा युगों युगों तक हजारों वर्ष तक याद रहे, और सरकार भी सोचेगी कि हाँ हमारे राज्य में हमारे राष्ट्र में ऐसे भी श्रावकगण हुए हैं जिन्होंने इस राष्ट्र की गौरव की गाथा को और आगे बढ़ाने का उपक्रम किया है, और ये धर्म के पताका उसी माध्यम से हमेशा वो ऊपर हवा में लहराते रहेंगे। उस स्थान में देखो उस स्थान का भी कितना महत्व था महाराज। कई व्यक्ति ने आकर कहा महाराज हाँ तो होता है लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वह जीवंत है। कहा वह वास्तुकारों ने कहा भैया ऐसा जीवंत नहीं लगता क्योंकि नीचे जल होता है ऊपर ऐसा लगता है कि इसमें पानी नहीं है। पानी की खोज नहीं की जाती, पानी की खोज नहीं की जाती है, उसके सिर पर से मिट्टी खोदी जाती है। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो एक प्रकार से प्रमाद को छोड़ करके जहाँ पर पानी है उसको खोजते चले जाओ। नीचे जाना पड़ता है तब कहीं जाकर के पानी लगता है, और आपको पानी लग गया है अब पानी पानी कर देगा वो आपको। हाँ आप अभिमान छोड़ करके इस कार्य को करेंगे ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, ये अवश्य है, किंतु जैसा चाहिए वैसा करने के लिए आपको संकल्प को साकार रूप देने के लिए मेहनत तो करनी होगी, और उसके लिए कई लोगों का सहयोग अवश्य मिलेगा। एक व्यक्ति नहीं वहाँ पर, दो व्यक्ति नहीं, हजारों हजारों लाखों की जनता इसमें प्रतीक्षित थी, और आज इस रविवार के दिन सब लोगों को लगा कि ये कौन सा स्वप्न आया, ये स्वप्न नहीं, संकल्प को स्वप्न के पीछे होना पड़ता है, कि वह संकल्प अब अवश्य ही पानी निकाल करके ही रखेगा। अब उस धारा के माध्यम से श्री जी के सिर पर जब धारा होगी तब आप लोगों के ये संकल्प की धारा ठीक मानी जाएगी, इसलिए और कमर कसना आवश्यक है। कमर कसने के लिए बेल्ट से नहीं कसो, समझे? हाँ धोती पहनोगे तो कमर क्या कसाव होता है ये मालूम पड़ेगा। अब भारतीय बनो फिर कमर कसो, और जो है नीचे की धोती को थोड़ा ऊपर ले फिर आ जाओ, फिर इसके ऊपर देख लो काम कितना होता है। अब यूं यूं करोगे तो काम नहीं होगा। पहले के लोग अपने आप को समर्पित करते थे, आप मंदिर में आकर के उनको ये करो ये करो, ऐसा नहीं, झाड़ू हाथ में नहीं सेठ जी लेते थे तब कहीं भक्त की भक्ति काम में आती थी। ये ध्यान रखो भक्ति करना है तो ऐसी भक्ति करो भगवान भी आपसे प्रभावित हो जाते हैं। लोग सुनते हैं हम कि भगवान भी भक्त के वशीभूत होते हैं, किंतु आज भक्तों के द्वारा भी आप अपने आप को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भक्त बनो जो भगवान बनने में देरी ही नहीं लगेगा। सीढ़ी पर है भक्ति करने वाला, और वहाँ भी सीढ़ी के पार भगवान बैठे रहते वेदी में, तो इतने अंतराल को पूर्ण करके वहाँ तक पहुँचना है। भगवान के निकट पहुँचने का एक ही मात्र साधन है दोनों हाथों में कलशा लेकर के उनके सिर पर धारा करोगे, फिर देख लो वह धारा क्या कहलाती है, अब पानी नहीं कहलाती है, उस धारा वहाँ से आने के उपरांत गंधोदक कहलाती है, और उस गंधोदक में पति से पावन बनने का एकमात्र मंत्र छुपा हुआ रहता है। आप भगवान बनना चाहते हो अवश्य इस कार्य को करेंगे। आप प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान ये इनका आर्यभट्ट
ये उपग्रह उठता चला जाए। भैया ध्यान रखो, उपग्रह में उठाने के लिए ज़्यादा खर्च होता है, ऐसा हमने सुना है। आप लोगों आप जानो, उठाने में ही प्रक्षिप्त करने में ही ज़्यादा पेट्रोल लगता है, ज़्यादा खर्च होता है। फिर एक बार वो अपनी कक्षा में चला जाता है तो वह घूमना प्रारंभ करता है। आपको वो घूमने की आवश्यकता नहीं, नीचे से तालियां भी आएंगी और बंडल भी, हाँ ये भी आएंगे। धन्य है, धन्य है, आप लोग ने ऐसा काम कर दिया। ऐसा काम करना चाहते हो? आओ, हाँ अब बोलो नहीं। हाँ नहीं समझे, हम बोलने वालों के ऊपर भरोसा तो रखते हैं लेकिन कम रखते हैं, क्योंकि बोलने के लिए तो बाहर आना पड़ता है और जो काम करने में लगता है दूसरे को कह देता कि वहाँ काम में लगे हुए हैं। और वो कहा है आप यदि काम बैठना चाहते तो बैठ सकते हैं, नहीं है तो उनको अभी काम इतना करना है, तब तक थोड़े से घूम करके आ जाए। और वो सोचता है कैसे व्यक्ति, हम तो यहाँ पर आए हैं और काम में लग गए, तो उनका प्रतिदिन का कार्यक्रम है, उसको किसी भी प्रकार से वो फालतू नहीं करते, क्योंकि समय मिला है तो कार्य भी कर सकते हैं, और समय यदि नहीं मिला है तो ताश पत्ती खेल सकते हैं। आप कौन से में हैं बताओ, बैठे बैठे आप ये खेलोगे? पसंद नहीं है। भारतीय संस्कृति के अनुसार श्रम करो और श्रमण बनो, फिर तो क्या कहना, फिर महावीर बनने में देर नहीं लगेगा। अब ज्यादा तो हम कह नहीं सकते क्योंकि समय काफी सुबह से ले करके आप लोगों ने ले लिया, हमारे लिए अंत में दे दिया था। हमने भी समझा कि भैया स्टेशन तो आखिर यही बना रहेगा, यहीं से उड़ाएंगे, कैसा लगा? बस आज तो अपने कक्ष में उपग्रह आ गया। अब जो जितना खर्च हुआ है उसको यदि सार्थक बनाना चाहो तो और करते जाओ, और एक दिन आएगा खर्चा से मुक्त हो करके आप हजारों वर्ष के लिए उसको देखते रहोगे, उसका आनंद लूटते रहोगे और दुनिया इससे लाभान्वित होती रहेगी। यह भारतीय संस्कृति है, अहिंसा परमो धर्म की। शिवसों की सिद्धि चिंता मुनि चिंतित वस्तु दाने त्वामंद मानस ममास्तु देवी। महाराज की समाधि हुई, उनकी आज हम लोग सब लोग भजनांजलि रूप में 9 बार जाप करेंगे सब लोग। शेफाली सुनील गोधा इंदौर की ओर से एक प्रतिमा ऑनलाइन आई है, कंचनबाग इंदौर की ओर से एक प्रतिमा आई है यहाँ पर। हाँ अब कुछ हमारे जो यहाँ पर वैद्यराज पधारे जिन्होंने 3 दिन में सेवाएं प्रदान की है, डॉक्टर शोभाजी शाह, डॉक्टर मोनिका शाह मुंबई, डॉक्टर मृत्युंजय माली भोपाल, हजारों व्यक्तियों ने लाभ लिया इन लोगों का। डॉक्टर मृत्युंजय माली भोपाल आ जाए, डॉक्टर प्रमोद जी देवास, डॉक्टर पारस जी भोपाल, ब्रह्मचारी सचिन भैया चिरमरी, ब्रह्मचारी सतीश जी जबलपुर, ब्रह्मचारी आशीष जी दिल्ली, ब्रह्मचारी रोहित जी जबलपुर, इनका सम्मान कमेटी के द्वारा किया जाएगा। आज सब लोग इनका सम्मान करें कमेटी वाले, और जो भी नाम ऑनलाइन आते हैं अभी ऑनलाइन कुछ नाम और आएंगे तो अपने नाम लिखवा दें। प्रतिदिन यहाँ पर घोषणाएं की जाएंगी, ये मूर्तियों की घोषणाएं प्रतिदिन यहाँ पर की जाएंगी। शेफाली सुनील गोदा इंदौर एक प्रतिमा का नाम यहाँ पर आया है, एक प्रतिमा का नाम यहाँ पर आया है। और भी ऑनलाइन जिन लोगों के लिए